कहाँ से आ रहे हैं सर? अभी कहाँ रहते हैं आप? हाँ जी रंधावा जी, रिक्वेस्ट चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे राज ने, गॉड ब्लेस यू। जो वादे किए पूरे किए, इनका वर्क परमिट, जी हाँ वर्क परमिट इनका लग गया गौरव जी का। गौरव जी इतना विश्वास था ना, देखो मेरी तो हाइट चलो छोटी, ये लंबा मेरा गौरव। हाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन रंधावा जी को सर, थैंक यू सो मच। जैसे कहती हूँ रंधावा जी की कलम में जादू है, तो वो जादू आज कर दिया। गौरव जी का वर्क परमिट का वीज़ा अप्रूव हो गया। और जब ये मेरे पास आए थे, हमारी मैम के पास आए थे, तो इसने एक ही बात कही थी, मुझे पूरा ट्रस्ट है और स्कैंस ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मुझे ज़रूर वर्क परमिट देगा। और आज वही रंधावा जी की जो कलम जादू वाली है वो जादू हो गया और इनका वीज़ा आ गया। इनके फादर को कॉल पे लेंगी मैं। तो बहुत मुबारक हो, आपके बेटे का वर्क परमिट लग गया। और ये रंधावा जी जो जादू वाले हैं, कलम की जादू वाले भी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी आप बात कीजिए। हेलो, हाँ जी हाँ जी, कांग्रेचुलेशन सर। हाँ बहुत अच्छा लगे। देखो किसी के फादर और मदर के सपने पूरे होते हैं तो ऐसे ही अच्छा लगता है। ये दौड़ता हुआ आ रहा है और ये गोहाना में रहते हैं, और इसने कहा कि मैम ऐसा क्या हो गया, ये खरड़ में था, मैंने कहा तू आ जा, कुछ ऐसा हो गया। बैठिए अब आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी तो लाइफ ही चेंज कर दी इन्होंने, जादू वालों ने। सर अच्छा लग रहा है सर, अब क्या कहना चाहेंगे गोहाना वालों को, सभी को, हरियाणा के लोगों को? हर किसी की ऑस्कैन में एंट्री कराएंगे और रंधावा जी सारी फाइलें लगाते जाएंगे, अपना जादू घुमाते जाएंगे। हाँ चलो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, गलत एजेंटों से बचो। जैसे कि मिस्टर रंधावा जी हमारे पास हैं, कैनेडा से अभी आए हुए हैं, अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लीजिए, गलत एजेंटों से बचिए। और जैसे कि गौरव अपने बारे में खुद ही बताएंगे, कितने टाइम में इनका वर्क परमिट अप्रूव करवा दिया। सभी, मैं भी माँ हूँ, सभी माँओं को यही कहना चाहती हूँ, गलत जगह पे मत फंसिए। और स्टडी वीज़ा पे आपको पता है कि वर्क परमिट की एक्सटेंशन नहीं हो रही है, अगर वर्क परमिट की एक्सटेंशन नहीं हो रही तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना चाहिए और कैसे वर्क परमिट अगर एक्सटेंड नहीं होता उसके लिए और क्या क्या रास्ते हैं, वो मिस्टर रंधावा जी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। सर अगर वर्क परमिट नहीं एक्सटेंड होता तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? अगर किसी का भी वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होता उसके लिए हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं, हमें आके कांटेक्ट कर सकते हो। पीएनपी की वर्क परमिट एक्सटेंड करने की हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम आपकी पीआर जो है विद इन 6 मंथ्स भी करवा सकते हैं। तो आप हमें आके मिलिए, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का भी तो आप हमें आके मिल सकते हैं, इंडिया ऑफिस में भी, कैनेडा में मिल सकते हैं, और आपका कोई भी है सोल्यूशन हम जो सारा करेंगे। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे एलिमिया के ऊपर, कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को थोड़ा नॉलेज नहीं है और जैसे इमिग्रेशन लॉयर बोल देते हैं, आज क्या कहना चाहेंगे मैम आप? यही कहना चाहेंगे कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिल रही है, बहुत सारे ऑप्शन है पीआर लेने के कनाडा में, तो आके हमें कॉन्टैक्ट करें। छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं और वर्क अपॉर्चुनिटीज भी, जिसके थ्रू एक्सटेंशन मिल सकती है आपको और आप पीआर। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मिलूंगी नए वर्क परमिट नए वीजाज के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके डियर, ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चा।